सिटीलिया न्यूज चैनल हक की आवाज। बार बार जो है ना धमकियां, घर पर खटका मारना, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां, पत्थर उठा के फेंकना, औरतों को जो है ना प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मार के ढकल दिया। मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए। मैं लड़कियां वाली हूँ, अच्छा। मैं 50 साल की हूँ, ये बुढ़ी औरत को जो ये फैटा और जरा मुरा दांतों का पूरा हिस्सा चलेगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अपना चेहरा मैंने बताने से हिजाब कर रही हूँ, मेरे मुंह से ब्लीडिंग चालू हो गई, मेरे को मेरे जान को धोखा है कि इनके इनके बार 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 करने से जो है ना औरत बच्चियों को देख के लोग अपनी मर्दानगी का जो है ना ये सबूत बताना चाह रहे हैं। अगर अगर हम चाहते तो हम भी कुछ भी ऐसे वैसे बोल सकते थे, मगर हम नहीं बोले, और जो है ना हमें मार के गिरा देने के बाद हमारे पास जो है ना गेट पे पत्थरबाजी हो गई, जो है ना घर के अंदर से औरतें, इनकी जो दो बहने हैं, नादर खान की वालदा है और उनकी खाला है, दोनों मिलके जो है ना रॉड जो रहता है ना उसपे मेरी पैर पे जख्म हुआ है जो कि गुप्तमार है, और मेरी आंख पे जो नकली डस्टर जो पहन के मारते हैं उस तरीके से लोगों ने हमारे फेस पे जो है ना हिट किया है। आपका घर किधर? लीगल एक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, क्योंकि हमारी जान को खतरा है, खतरा आज इन्होंने घर पे मारे, कल घर के अंदर घुस के वो जो तलवार जंबिया उनके हाथ में थी उनसे भी हमें मारा, हम डर के अंदर दरवाजा लगा दिए, हमें जो है अंदर पैक हो गए हम लोग, उतना जुल्म, और तलवार लेके थी स्वॉर्ड, वी कॉल इट अ स्वॉर्ड, उससे बच्चिया होता है उसी से बच्ची को लेके मैं अंदर चले गई डर के, दरवाजा लगा दिया हमारे पास, थोड़ी देर में अगर मैं नहीं भागती बच्ची की जान भी जाती थी, मेरी भी जान डेड थी, ऑलमोस्ट मेरा इंतकाल हो चुका था आज। अब ये मेरी छोटी बात नहीं है भाई साहब, मैं आपको आपसे भी गुजारिश करती हूँ, प्लीज फाइट फॉर माय राइट्स, मैं लड़कियां वाली हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, हमारे असदुद्दीन अभी इसी हिसाब से भी मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे को इसका जो है ना जस्टिस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना बेगम है, अलशैब कॉलोनी बंडला गोड़ा में से रहने वाली हूँ। मेरे घर में तकलीफ है, मेरे को आज अचानक मेरे पड़ोस में मेरे को नाजायज़ में कुछ ने बोली गेट पे खट्टा मार के हमला करे, हमला करने के बाद कोने बल के बाहर निकलने के बाद में मेरे साथ बाजू गुलाम बासी बाजू बासित बोल के है, उन्होंने जो है सो मेरे साथ हमला करके मेरे को फैटा करके मेरे दांतों का चौकड़ा निकाल दिए, और जो है सो मैं नीचे गिर पड़ी, जब मेरे फसलियों में मार दिए मेरे को, मेरे दिल में बहुत तकलीफ है, मैं नीचे गिर पड़ी, उठी नहीं, तो जब मेरे साथ में एक बच्ची थी, मेरे को चार लड़कियाँ ही थे, मेरी बच्ची आके मेरे को बचाने गए तो उसको भी मारम पीट करके पूरा होठ सूज गया, उसका भी दांत टूट गया बच्ची का, मेरे को बहुत खतरा है इन लोगों से, और पूरे मिलके जब मैं डर के अंदर घुसने लगी तो तलवारा और हथियारों के साथ निकल के लेडीज, दो लेडीज हैं उनकी जाकिरा बहन है, उनकी और एक बहन है, बाजू पड़ोस में रहते हैं इन्हों उनके भाई है, फिर दो घर के बाद रहते हैं उन्होंने, उतनी दूर से भी नाजायज हमारे साथ ऐसा करे, मेरे घर में मर्दाना नहीं रहते, अपनी मेहनत को उन्होंने चले जाते, और हम लड़कियां हैं मेरे, पूरे MS करे हुए लड़कियां हैं मेरे, हमें मारने की वजह क्या है? मारना कुछ मैं लड़ाई नहीं करी, ना मेरे पास बेटे है ना कोई कुछ है, मैं खामोश घर में अपनी थी, कुछ नहीं, खाली हर हमेशा से ऐसी करते रहते उन लोग, हमेशा कोई दुश्मनी ना, ना मेरे को बेटे नहीं है, मेरे बेटे ना बाहर जाते, मेरे लड़कियां हैं पढ़ाई से आते, बस हम लोग घर में रहते बच्चियां, मैं अपनी जिंदगी में बिजी रहती हूँ, ना मैं बाहर भी जाती हूँ, ना इन लोगों से नाम लिए थे, इनको जब से खुसूमत थी जब से जो है बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त नहीं कर सके, और हम नल का कनेक्शन लिए थे मीठे पानी का, जो हमारी जो है ना हैदराबाद शहर में वो जरूरी चीज होती है हर घर के लिए, उसके बावजूद भी जो है ना हम खामोश बैठ गए, और रात को पी लेके आ जाते, पता नहीं कौन से घर के टैक्सी प्लेट गाड़ियां ले लेके आते, जमीनों के कुछ किस्से कहानियां होते, क्या होता, बहरहाल अल्लाह ही जाने, चार चार पांच पांच पूरी टोली मर्दुए आ जाते, कुछ भी होते कि गंदे गंदे गालियां, तलवार और गनेट जो है ना हमारे घर के गेट पे डाल दिए लोग, पूरे जो है ना मैं जख्मी हो गई, मेरा होठ फूट गया, समझ रहे हो ना आप, और मैं ये जो है ना एक दो बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है हमारे साथ, और ये नाइंसाफी है, मैं चीफ मिनिस्टर सर और होम मिनिस्टर सर से मैं जो है ना गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले जी, आप कंप्लेन दिए जी, हम जो है ना चंद्रांगुट्टा PS से कंप्लेन करे हैं इसके बारे में, और हम लोग जो है ना OBC हॉस्पिटल पे आए हैं, मेडिकल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, तक हमने एक्सरे लिए हैं और इंजेक्शन वगैरह टैबलेट्स वगैरह हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, हमने वो भी लिया है। ये आज लड़ाई हो रही है, मतलब क्या है? कोई कुछ मकसद नहीं है उन लोगों के दिल में, क्या है बस वो अल्लाह मालूम, ना लड़ाई कर रहे भाई गली में नहीं रहे ना, उन्होंने क्या बोले ये अम्मा बहन के गालियां दे लेते हुए, बासित खान है, उस्मान खान है इनका नाम, नादिर खान है, समझ रहे ना, और इन अपने होशों में नहीं थे उस वक्त, और जब इनके पीने के बाद ये वारदात हुआ है, इनका भतीजा जो है नादिर खान जो दुबई से आया है, उसकी कल शादी भी थी,
सुने ना, उसकी वजह से वो शादी थी, उसके तैयारियां चल रहे, वो हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ना बार बार करने से जो है ना औरत बच्चियों को देख के लोग क्या है अपनी मर्दानगी का जो है ना ये सबूत बताना चाह रहे हैं। अगर अगर हम चाहते तो हम भी कुछ भी ऐसे वैसे बोल सकते थे, मगर हम नहीं बोले। और जो है ना हमें मार के गिरा देने के बाद हमारे पास जो है ना गेट पे पत्थरबाजी हो गई, जो है ना घर के अंदर से औरतें, इनकी जो दो बहनें हैं, नादर खान की वालदा है और उनकी खाला है, दोनों मिलके जो है ना रॉड जो रहता है ना उस पे मेरी पैर पे जख्म हुआ है जो कि गुप्त मार है, और मेरी आंख पे जो जो नकली डस्ट जो पहन के मारते हैं उस तरीके से लोगों ने हमारे फेस पे जो है ना हिट किया है। आपका घर किधर है? अलशोएब कॉलोनी बन्नागुड़ा। ऐसे जब हम घर बनाए थे, जब से इनको खुसूमत थी कि हम वो जमीन नहीं लेना, हम वहाँ पे घर नहीं बनाना, क्योंकि वो हमारा ओन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके अलावा भी जो है म्युनिसिपैलिटी से लीगल प्रोसेस से हमने नल का कनेक्शन लिया था, उनसे भी इनको खुसूमत थी, क्योंकि इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज वगैरह औरत बच्चे आ रहे भी यहाँ से लोग लेते हैं क्या करते हैं, या नोटरी पे होती है इनकी प्रॉपर्टीज, पता नहीं। हम लीगल प्रोसेस फॉलो करके हम नल का कनेक्शन लिए, और इनके पास हमारे पास औरतें हैं, हम जो है ना नॉर्मल जो है ना एम्प्लॉयज है, प्राइवेट एम्प्लॉयज से हम लोग जॉब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे घराने से हमारे साथ ऐसा, हमारी वालदा जो है सैयद घराने से, बार बार ये होते जा रहा है जुल्म, और आके जो है ना बार बार जो है ना धमकियां, घर पे खटका मारना, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां, पत्थर उठा के फेंकना, औरतों को जो है ना प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मार के ढकल दिया। मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए। मैं लड़कियां वाली हूँ। अच्छा। मैं 50 साल की हूँ, ये बुढ़ी औरत हूँ जो ये फैटा और जरा मुरा दांतों का पूरा हिस्सा चले गया, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अपना चेहरा मैंने बताने से हिजाब कर रही हूँ, मेरे मुंह से ब्लीडिंग चालू हो गई, मेरे को मेरे जान को धोखा है लोगों से कि इनके पास लीगल एक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। आज इन्होंने घर पे मारे, कल घर के अंदर घुस के वो जो तलवार जंबिया उनके हाथ में थी उनसे भी हमें मारे। हम डर के अंदर दरवाजा लगा दिए, हमें जो है अंदर पैक हो गए हम लोग, उतना जुलुम, और तलवार लेके थी स्वॉर्ड, वी कॉल इट अ स्वॉर्ड, उससे बच्चे को होता है उसी से बच्ची को लेके मैं अंदर चले गए डर के, दरवाजा लगा दिया हमारे पास। थोड़ी देर में अगर मैं नहीं भागती बच्चे की जान भी जाती थी, मेरी भी जान डेड थी, ऑलमोस्ट मेरा इंतकाल हो चुका था आज। अब ये मेरी छोटी बात नहीं है भाई साहब, मैं आपको आपसे भी गुजारिश करती हूँ, प्लीज फाइट फॉर माय राइट्स, कि मैं लड़कियां वाली हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। हमारे असदुद्दीन अभी इसी हिसाब से भी मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे को इसका जो है ना जस्टिस चाहिए। अकबरुद्दीन अभी सही साहब मेरे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है ना MLA है, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मदद, क्योंकि हमारे जो है ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब इतनी सोशल सर्विस चैरिटी के लिए मशहूर है, मैं उनसे जो है ना अपना जो है ना कि हमारे पास हमारी मुसलमान की कौम में जो ये हो रहा है इसको जल्द से जल्द निकाले, और हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये अब हमें पत्थर बरसाए कल के दिन घर के अंदर घुस के हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हम हमारी जगह खाते पीते जो भी है, हम लोग प्राइवेट, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, वी आर नॉट रिच किड्स, बस ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, एंड आई वॉन्ट अ लीगल एक्शन ऑन दिस, इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर, हमारी जान को खतरा है, बस ये लोगों से हमारी जान को खतरा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं बासित खान, अलशोएब कॉलोनी इस्माइल नगर से। यहाँ पे हमारे दो घर है, एक हमारा है मेरा, और एक हमारे भौनी का घर है। भौनी के घर के बाजू एक लेडीज रहते जो गुज़िश्ता 4 साल से पूरी कॉलोनी को परेशान करके रखे हुए हैं। ये हालत है इनकी, इनके घर के सामने मेरे पास वीडियो एविडेंस के साथ बात करता हूँ मैं, इनके ऐसे उड़ती बात मेरे को आते नहीं। इनके घर के पास ऑलरेडी चबूतरे वगैरह है, उनकी पार्किंग में फतरे घनेटा जमा देते हैं गाड़ी के अतराफ से, और कोई इनके पास गाड़ी पार्किंग न रखना, जो भी पार्किंग गाड़ी रखा आदमियों को बहुत बुरे गालियां ली। औरत ये है पूरी शोएब कॉलोनी में, अगर कोई लोकल लंबाड़ा कॉलोनी में रहने के काबिल है तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोग हर टाइम फतरे लगाना अपने घर कन की सरहद, ऑलरेडी चबूतरे आ गए 5 फीट चले गई जगह, और 5 फीट इन्हों जो है चबूतरे पे लगा के देते हैं। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करूंगा कि जाके उनके घर का एक बार वीडियो ले। यहाँ पे सब पूरे जितनी भी कॉलोनी है 6-7 घर है यहाँ पे, आप उन लोगों से जाके बाइट लो या उनकी इंक्वायरी करो कि उनका क्या हाल है यहाँ पे बस्ती में। हम तो कॉपरेट करके चलते हर किसी से कॉपरेट करके चलता हूँ मैं।
अभी आज का जो मामला है, इन्हों कई लोगों से इसी तरीके की गुफ्तगू करे हुए है और कई लोगों को जो है सताए हुए है लोग, और हर बार आदमियों को जो है बहुत गलत गलत अल्फाज बोलते हैं ना, मर्दों के ऐसा ये वो जो दिल में आया वो बोलते हैं ना, क्योंकि इनके पास कोई जेंट्स नहीं है और कोई जेंट्स नहीं रहने की वजह से इनके ऊपर कभी कोई हम जो है इनको कोई जान दो भाई उनका मामला है उन्होंने छोड़ दी, सिर्फ उन्होंने 10 फीट की रोड छोड़े हुए उसमें से हमारे कारा जाते आते, कोई उनके नाम पे नहीं जाता। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है और फतरे लाके डाले, गनेटा डाले, जिसकी वजह से मेरे भांजे की गाड़ी इनोवा का टायर फट गया गनेट से। मैं उनको कुछ नहीं बोला, बाहर निकल के देख लिया, गाड़ी देखा टायर फट गया, ठीक है रे भाई अपने वो तीन चार हज़ार का खर्चा है दे लेंगे जो भी है देख लेंगे, लेकिन ये जो डाल रहे ना इन लोग ये गलत है फतरे डालना। हाँ इन लोगों की म्यूनसिपल में कंप्लेन करके इन लोगों के फतरे हटाने ने लगाया तो बोलना। वो लेडीज बाहर निकलती, निकल के उन्होंने बोलते मेरे को अरे तू अगर तेरे को करना ही ना तो पूरे बिल्डिंगा खरीद पहले उसके बाद हमारे घर के आके बात कर। मैं बोला आज तो आपसे बात नहीं हो रही मेरी, आप अंदर जाओ, तुम्हारे को कुछ नहीं बोला मैं, तुम अंदर जाओ ये बात हमारी है, हमारा नुकसान हुआ हम भर ले रहे, तुम्हारे को कुछ बोले, तुम 4 साल से फतरे लगाए हुए हैं, 4 साल से 4 साल से मुसलसल सता रहे उन लोग, उसके बावजूद भी जो है उनको कुछ नहीं। आज उन लोग जो बात बोल रहे हैं मेरे को गाली गलौज देने की वजह से, उन्होंने बहुत सारे गालियां दिए मेरे को ये ला मालूम है कि औरतों को मारे तो केस फाइल होता, औरतें जरा ज्यादा बोलते, औरतें 10 लगा के बोलते, इसकी वजह से जो है मैं उन लोगों को बोला कि चले जाओ अंदर आपसे बात नहीं हो रही। गाली गलौज हुई, गाली गलौज होने के बावजूद गाली दिए उन्होंने, दुनिया के बड़े बड़े गालियां दिए मेरे को, जिससे हमारे घर के लोग बर्दाश्त नहीं करे। औरतों में लड़ाई हुई औरतें मार लिए। उसके बाद इन लोग नाम लिखाते पीएस में कि मैं मारा उन लोगों को, और इनके लोग इन्हों जब बोल रहे इनके पास जेंट्स नहीं है कोई भी, उसके बावजूद भी इनके जो है 4 से 5 लोग मेरे घर पे आके हमला करे। मेरे पास वीडियो एविडेंस है, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको, इनका एक दामाद है, इन्हों बोल रहे हैं कि एक दामाद है और एक उसका भाई है और एक उसका दोस्त है और भी कोई अदर्स है, जो 5 लोग आए आके मेरे घर पे जो है हमला करे। हाँ वो एविडेंस है मेरे पास, जिसपे हमारे वालदा जो है लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ आप लोग, यहाँ से जाओ आप लोग, अपन क्या है बात करेंगे, पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेन देंगे, जो भी है वो बात कर रहे हैं उन लोग, और उन लोग जो है मेरे घर पे हमला करे। फिर ये लेडीज बोलती है हमारे पास कोई जेंट्स नहीं है, फिर इतने जेंट्स कहाँ से आ रहे आपके घर पे। देखिए मैं किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहता हूँ, 4 साल से जो है इन लोगों गुज़िश्ता बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों का जो भी है मामलेदारी, आप लोग मीडिया पर्सन से पुलिस से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन लोग अलशोएब कॉलोनी को आए, आके हमारा नेचर कैसा है, हम किस तरीके से यहाँ पे जो है रहते और उन लोगों का नेचर कैसा है, उन लोग किस तरीके से रहते। एक घर नहीं है मेरा, एक घर उनका नहीं है, 20-30 घर हैं, सबसे इंक्वायरी करो आप, आपको बात सामने आती, उसके बाद ही केस किसके ऊपर केस करना है उनके ऊपर बराबर केस कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने ऊपर केस लेने बराबर मैं अपने ऊपर जो है केस लेने के वास्ते राजी हूँ। कंप्लेन करें आप? कंप्लेन करा मैं पीएस में, कंप्लेन करा, पुलिस वाले भी बोले मेरे को कि इंक्वायरी करने के बाद ही हम जो है केस करेंगे जी सी ऊपर, चंदनूटा पीएस में कंप्लेन कराऊँ, चंदनूटा पीएस में कंप्लेन दिया। और इन्हों बोल रहे हैं इनको मारना लगे या कुछ भी है पीएस में जिस तरीके से बताया उन्होंने, ये हमारे घर के रिपोर्ट है जो हमारे घर पे हमला करे बच्चे आके, इनके 4-5 बच्चे और इन्हों लेडीज जो दोनों चार तो नहीं देखा मैं, ये दोनों इस थे कोने वहाँ भी, हमारे को इनसे वास्ता ही नहीं है। तो ये देखिए आप, ये हमारी रिपोर्ट्स है, अवेसी हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराए, हमारी बहन को मेरी बहन को एडमिट करने का बोले डॉक्टर्स के, इनको जो है एडवाइस दिए गए इनको एडमिट करना पड़ता 2 दिन के लिए, हमारे घर में शादी है, कल सांचक है, हम किस तरीके से एडमिट करेंगे। और बाज़ाब्ता वो लोग लिख के दिए डॉक्टर्स के भाई आप एडमिट नहीं कर रहे हैं तो शादी के पर्पस की वजह से आप जो है एडमिट नहीं हो रहे हैं, ये मेरे को मेंशन करके दिए हुए हैं डॉक्टर्स के, आपकी वजह से आप एडमिट नहीं हो रहे, अदरवाइज आपको एडमिट करना जरूरी है। हाँ काफ़ी सारे मारा लगे हम लोगों को, उसके बावजूद जो है हमला करने के बाद भी इन्हों जो है एक
क्या बोलेंगे उसको, एक लेडीज है बोल के जो है मैं कंप्लेन कराई तो जिस तरीके से होती वो कर ले सकती हूँ, समझ रहे हैं ना, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। मैं भी जो है कानून के हिसाब से चलूंगा इंशाल्लाह, मेरे को पूरा भरोसा है। आपको भी मेरे को लगाना भाई लगा, वो माइनर है जो भी है पूरा हम रिपोर्ट्स में दे दिए। अवेसी हॉस्पिटल में जितने जेन्युइन रिपोर्ट्स है पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए, अब उसके हिसाब से अपन देखेंगे प्रोसीजर किस तरीके से होता है।